नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशलि मोइत्रा। ईरान और अमेरिका की अदावत जारी, अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसके साथ ही साथ ईरान ने इंटरपोल से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत अन्य दर्जनों लोगों को हिरासत में लेने के लिए मदद मांगी। तेहरान के अभियोजक अली अलकासिमहर ने सोमवार को कहा कि ट्रंप अन्य 30 से अधिक लोगों के साथ 3 जनवरी के हमले में शामिल थे। इसी हमले में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए थे। ईरान ने जरूर इंटरपोल की मदद मांगी। इसके बाद ईरान के सवालों का जवाब फ्रांस के लियोन में स्थित इंटरपोल ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अलकासिमहर ने यह भी कहा है कि ईरान ने ट्रंप और अन्य लोगों के लिए रेड नोटिस का अनुरोध किया था, जो इंटरपोल द्वारा जारी उच्चतम स्तर का नोटिस है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के चलते अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की थी। इस दौरान अमेरिकी स्ट्राइक में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के वरिष्ठ जनरल और कुछ फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। साथ ही इराक में ईरान समर्थित पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के कमांडर अबू मेहंदी अल मुहंदिस भी मारा गया था। ध्यान रहे कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड ईरानी सशस्त्र सेना का ही अंग है। हालांकि अमेरिका ने अप्रैल 2019 में इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया था और उसके बाद निगरानी करते हुए एक ड्रोन हमले में ईरान के सर्वोच्च कमांडर सुलेमानी को मार दिया था। उसी के एवज में ईरान ने ट्रंप के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। यहां पर हम आपको रेड कॉर्नर के बारे में बताते चलें कि रेड कॉर्नर नोटिस की मदद से गिरफ्तार किए गए अपराधी को उस देश को भेज दिया जाता है जहां उसने अपराध किया होता है। वहीं उस पर उस देश के कानून के हिसाब से मुकदमा चलता है और सजा दिलाई जाती है। जिस व्यक्ति के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, इंटरपोल उस वांछित व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी सदस्य देश को मजबूर नहीं कर सकता। तो अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ रेड कॉर्नर जारी हुआ है। अब देखना है कि इस हिमाकत पर पेंटागन क्या प्रतिक्रिया देता है।